ग्रेटर नोएडा में सोमवार की देर शाम पुलिस और बदमाशों के बीच एक और एनकाउंटर हुआ है। इसमें पुलिस की गोली से एक 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी हो गया, जिसे नोएडा के जिला अस्पताल भेजा गया है। इस बदमाश के दो साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे, जबकि एक पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है। ग्रेटर नोएडा के कासना थाने की पुलिस साइफाई सेक्टर के पास रूटीन चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक वैगन आर कार में सवार कुछ लोग आए। पुलिस को देखते ही कार सवारों ने रास्ता बदलकर भागने की कोशिश की। संदेह होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस को अपने करीब देखकर एक बदमाश ने गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी अंधेरे का फायदा उठाकर दो बदमाश फरार हो गए। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है।